तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो अभी हमें फिलहाल जोधपुर रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से हम एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 14707 रनकपुर एक्सप्रेस में, जो कि बीकानेर से दादर के बीच चलती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग बीकानेर से दादर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रहा हूँ, 1218 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेन कवर करती है 22 घंटे 40 मिनट में 53 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। और इस रूट पे पूरी फुल रूट में बीकानेर से दादर के बीच ट्रेन जो है 32 हॉल्ट्स लेती है। ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल तो है नहीं, वही ई कैटरिंग की शायद सर्विस होगी अवेलेबल, बाकी और कुछ भी मालूम नहीं है। ट्रेन को आ जाने दीजिए। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 110, क्योंकि ट्रेन अभी भी ICF रेक में चलती है, LHB तो अभी तक हुई नहीं है। ट्रेन का यहाँ पे आराम बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन को लगभग जोधपुर से, और जोधपुर में इसका आने का टाइम था 12:10 में। ट्रेन अभी फिलहाल मैंने ट्रैक किया तो 1:18 की डीले के साथ चल रही है, तो यहाँ पर 1 के बाद ही आएगी। उसके जब तक जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मैं वेट कर रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ जोधपुर, और यहाँ का वेदर भी बढ़िया है भाई, ठंड ज़्यादा है नहीं, और सुबह में मॉर्निंग में ठंड थी हल्की फुल्की, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं है। देखिए भाई, ये जोधपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मैं खड़ा हूँ। वहाँ पे 3 पे खड़ी है जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस, जो कि 11:50 में निकलेगी यहाँ से। साबरमती अहमदाबाद की तरफ शायद होता है, 11:50 में वो ट्रेन निकलेगी। और अभी हमारी इधर आई पैसेंजर ट्रेन है, ये भी शायद अभी आधे घंटे में शायद निकल जाएगी। देखिए भाई क्या खूबसूरत लग रहा है जोधपुर रेलवे स्टेशन। ये जोधपुर का फुट ओवर ब्रिज है, और आपको रेस्टोरेंट 1 प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यहाँ से चलते 1 पे, ये 1 है। कोई ट्रेन भी अराइव की है यहाँ पे, अपनी ट्रेन तो लगभग 1.5 की डिले के साथ चल रही है। दोस्तों सामने खड़ी है जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसकी मैंने जर्नी ऑलरेडी करी है, लेकिन जब मैंने की थी तो उस समय ICF थी, और अभी ये रिसेंटली LHB हो चुकी है। अब भाई अपनी ट्रेन भी अब आने ही वाली है लगभग, टाइम देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये लगभग 12:47 हो चुका है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 12:47 हो चुके हैं। अभी ट्रेन लगभग 1:10 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई यार, 12:10 का टाइम था आने का, वो 1:10 यानी 1:30 बज जाएगा शायद, 1.5 डिले चल रही है अभी। बस हमें लगा ट्रेन हमारी 1-1.5 डिले होगी, लेकिन फाइनली 2 की देरी के साथ अपनी ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों फाइनली 2 की देरी के साथ अपनी ट्रेन आ चुकी है। वडोदरा शेड का WAP-5 लगा हुआ है लोकोमोटिव, 2 देरी हो गई। पूरी ट्रेन आगे निकल गई और सब जनरल वाले भाग रहे हैं। अब रनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी ट्रेन है, देख रहे सब भाग रहे हैं ऐसा लग रहा रुकेगी नहीं, लग रहा ट्रेन सब भाग रहे हैं आगे की तरफ। और हमारा कोच है आज का S7, अब चलते हैं भाई कोच के पास। जनरल में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है जनरल में, देख रहे खाली है लगभग। तो ये आज का अपना कोच S7, देख ना ज्यादा शांति है। और ये है आज का अपना बर्थ 66, मिडल बर्थ मिला है आज। तो दोस्तों अपने जोधपुर में ट्रेन आई है 2:14 की देरी के साथ, सोच सकते इतनी डिले हो गई है ये ट्रेन। वैसे डेली नहीं होती, मैं चेक करता हूँ, लेकिन इतनी डिले नहीं होती है, ये पता नहीं कैसे इतनी डिले आई है जोधपुर में। अभी देखते हैं कल कैसे पहुँचाती है, सही टाइम पे या डिले पहुँचाती है। Thank you.
जोधपुर से तो हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन भाई अपनी वही मिडिल बर्थ है, उसी में हमें पूरी दादर तक जर्नी करनी है। हो जाता है कभी कभार, क्या करें, हमेशा तो साइड लोवर नहीं मिल सकती ना। दोस्तों एक ट्रेन आ रही है, उसमें भी WAP-5 लोकोमोटिव लगा हुआ है। कौन सा ट्रेन है, एक मिनट मैं देखता हूँ कौन सी ट्रेन है। बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। सॉरी, ये हम सफर एक्सप्रेस है भाई, इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। बांद्रा टर्मिनस से चलकर भगत की कोठी की ओर जाती है, इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ब्लॉग है इसका। अभी शायद यार्ड में जा रही है लगने के लिए, इसका ब्लॉग बना दूँ। मैं आपको स्किपिंग दिखाता हूँ, भगत की कोठी को हम लोग स्किप कर रहे हैं, देखिए। ट्रेन ने ना हाई रेस पेंटोग्राफ ऑन कर लिया है, देखिए हाई रेस पे चल रही है, दिख रहा होगा आपको पेंटो। दोस्तों अभी अपनी ट्रेन लूनी जंक्शन पहुंच चुकी है, स्टेशन कोड हुआ LUNI, और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 2 घंटे 17 मिनट की देरी के साथ। और लूनी स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, 52 ट्रेनें यहाँ पर आकर रुकती है। और लूनी जंक्शन है तो यहाँ से एक बाड़मेर की ओर भी लाइन जाती है। अपनी ट्रेन भाई डीले पर डीले होते जा रही है। आ गया साइड अपर में, यहाँ पे हाँ, तो इससे सीट वो है वो वाली, लेकिन अंकल सोए हुए ना, इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा उनको, वही मैं सो रहा फिलहाल, ये सीट बाकी ये सब सीट खाली है इसलिए मैं इसमें आ गया। फिर कोई आएगा तो फिर मैं उतर जाऊँगा नीचे। अभी तो फिलहाल ट्रेन अभी आधे घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगी, आधे से पौने घंटे ट्रेन, और तो ऑलरेडी लेट है यार, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई। मैं डेली चेक कर रहा था तो ट्रेन सही जा रही थी, अभी ये ट्रेन वहाँ से भी राइट टाइम निकली, ऑन टाइम निकली है बीकानेर से, फिर भी डिले हो गई है। अभी डिले बढ़ती जा रही है, अभी 2 घंटे 22 मिनट डिले हो चुकी है अभी यहीं पर, अभी देखते हैं कितनी डिले होती है।
दोस्तों ये लाइन आकर हमसे मिल चुकी है, शायद अजमेर से आती है ये लाइन, अजमेर वाली लाइन आकर हमसे मिल चुकी है यहाँ पे। अभी हम मारवाड़ जंक्शन एंटर कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म शायद उस तरफ आएगा हमारे अपोजिट साइड में, देख सकते हैं भाई। दोस्तों अभी अपनी ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पहुंच चुकी है, स्टेशन कोड हुआ MJ और यहां पर अपनी ट्रेन यहां पर आई है लगभग 40 मिनट की देरी के साथ, और ट्रेन ने कवर कर लिया अच्छा खासा। और यहां पर स्टेशन की बात करें तो ये मारवाड़ जंक्शन में 4 प्लेटफॉर्म है और 93 ट्रेन यहां पर आकर ऑफिशियली हॉल्ट होती है। 4 ट्रेन यहां से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और ये आता है राजस्थान के अजमेर डिवीज़न में मारवाड़ जंक्शन। बाकी मारवाड़ जंक्शन में आपको कैटरिंग की सर्विस देखने को मिल जाएगी, स्टॉल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको, सामने भी स्टॉल मिल जाएगा और ये यहाँ पर भी आपको नाश्ता वगैरह के लिए स्टॉल मिल जाएगा। देखो मैं वापस आ चुका हूँ अपने साइड अपर में और ये मेरा सीट नहीं है, जब तक खाली होता तो मैं बैठा हुआ हूँ। अभी मेन बात क्या है, यहाँ पर अप्रूव वाटर बॉटल नहीं मिल रहा पीने के लिए। अभी देखते हैं अगला स्टेशन शायद सोमेश्वर या क्या रानी सर स्टेशन है, वहाँ अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर लोकल पानी ही लेना पड़ेगा, क्या करें, प्यासे तो नहीं रह सकते ना, पैंट्री कार्ड तो है नहीं इसमें। दोस्तों ट्रेन रानी रेलवे स्टेशन पे पहुंची है, रानी स्टेशन नाम है रानी, यहाँ पर भाई अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है ट्रेन की। ट्रेन अभी तक खाली थी, अभी पैक हो जाएगी धीरे, देख रहे अब ट्रेन भर जाएगी, अभी तक खाली चल रही है। ट्रेन ना अब लगभग पूरी पैक हो चुकी है, अब जब पूरी खाली आ रही थी और बुकिंग के समय भी देख रहे तो वेटिंग आ रही है, ट्रेन खाली कैसे है। लेकिन अभी जो रानी स्टेशन जो अभी गया ना, इसमें पूरी अपनी जो ट्रेन पैक हो चुकी है, लेकिन मैं चार्ट वैकेंसी में देखा था तो ट्रेन हमारी जो है जोधपुर से ही पैक हो जानी चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों क्या सिस्टम है रेलवे का, समझ में नहीं आ रहा है। पहुंच चुकी है यहाँ पर, आई है लगभग 45 मिनट डिले, यानी कि 45 मिनट की देरी के साथ। और स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, 104 ट्रेनें यहाँ पर आकर रुकती है, एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी आबू रोड में आपको स्टॉल वगैरह सब मिलेगा, यहाँ पर रबड़ी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको रबड़ी की पूरी स्टॉल मिल जाएगी, हर जगह आपको रबड़ी अवेलेबल मिलेगी आबू रोड में। और यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन 45 मिनट डिले आई है, लगभग 45 मिनट, आगे देख सकते हैं स्टॉल वगैरह सब लाइन से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे स्टॉल बहुत है यहाँ पे। Thank you.
उस समय ट्रेन पालनपुर क्रॉस कर चुकी है और पालनपुर में ज़्यादा रुकी भी नहीं। ट्रेन अपने डीले चल रही है, ज़्यादा रुकी नहीं ट्रेन पालनपुर में। ट्रेन आके रुकी ऑलरेडी, उसको सिग्नल मिला हुआ था आगे जाने के लिए, लेकिन फिर भी ट्रेन एक मिनट तक रुकी पालनपुर में। ये फुल्ली ग्रीन सिग्नल है ट्रेन का, देख सकते हैं आप। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं दादर रेलवे स्टेशन और रनकपुर एक्सप्रेस की जर्नी यहीं पर एंड होती है भाई। रात में ट्रेन बहुत ही खींची और फाइनली हमें पहुंचाई है लगभग 10 मिनट की देरी के साथ, 10 मिनट लेट हुआ ज़्यादा नहीं, और बीच में तो भाई 2-2 घंटे ट्रेन डिले थी। अभी दादर उतर चुके हैं, अब दादर से जाएंगे हम अपने घर। वैसे घर तो हावड़ा में, फिर भी मुंबई में भी रहते हैं और मुंबई में हम रहते हैं मुंबई सेंट्रल में, तब यहाँ से लोकल पकड़ के मुंबई सेंट्रल जाना पड़ेगा। अभी मैं चल रहा हूँ फिलहाल दादर के इस फुटओवर ब्रिज से नीचे उतर रहा हूँ, वो लोकल आ रही है देखें, उसी में जाना है। वो लोग खैर मिल नहीं पाएगी, और ये जो ट्रेन है ये पोरबंदर एक्सप्रेस जो कि 9:30 बजे निकलेगी यहाँ से, सुबह में 9:30 बजे निकलेगी यहाँ से पोरबंदर एक्सप्रेस। लोको भाई WB5 वडोदरा का डीकपल भी हो चुका है ट्रेन। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, ट्रेन जर्नी तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था अपना रनकपुर एक्सप्रेस का। हाँ हल्की डिले हुई थी लेकिन फाइनली डेस्टिनेशन में कवर कर लिया ट्रेन ने। अब रखते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नई ट्रेन जर्नी में। हमने दादर से जर्नी स्टार्ट किया था, दादर में ही जर्नी हमने एंड कर दिया। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।